हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ क्विक एंड इजी समर स्पेशल अंडर 5 मिनट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। प्लस इसमें मैंने हेयर स्टाइल भी ऐड की हुई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये फ्री है। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है थैंक यू फॉर्मा का मिस्ट, काफ़ी हाइड्रेटिंग मिस्ट है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसे मैं पूरे फेस पर लगा ले रही हूँ, इसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यूज़ किया गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम, समर के लिए बेस्ट है। मैं मेरे फेस को काफ़ी अच्छी तरह से हाइड्रेट करती हूँ। इसके बाद मैंने यूज़ किया मॉइस्चराइजर के लिए थैंक यू फॉर्मा का डीप क्रीम। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सबकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी पर्पल पे वेडिंग सेल चल रही है तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया सनस्क्रीन, यह न्यूट्रीजेना का, काफ़ी अच्छा है तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको लगा के पूरे फेस पे ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं यहाँ पर कोई बेस नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये प्राइमर टिंटेड प्राइमर है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। थोड़ा सा आपके फेस पे पिंकिश सा ग्लो भी आ जाता है, समर के लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैं पूरे फेस एंड नेक पे लगा ले रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई बेस प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं यूज़ करूँ लैक्मे वाइटनिंग रोज पाउडर, ताकि मेरा फेस ऑयली ना लगे, ऑयल फ्री रहे। रोज पाउडर काफ़ी बेस्ट होता है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वाइट रोज पाउडर है तो इसमें कोई कलर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके फेस को काफ़ी अच्छी तरह से मैटिफाई कर देता है, आप देख सकते हो, और थोड़ा सा कवरेज भी आपको मिल जाती है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फेसेस कैनरा का न्यू लॉन्च SD ब्लस एज अ आई शेडो। मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके मेकअप लुक रिक्रिएट कर रही हूँ मुझे। तो इसे मैं अपनी आईज़ पे एज अ आई शेडो लगा ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा है गाइज, एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। इसे आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कोई ब्रश वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि दी विदाउट स्पंज या ब्रश के आप मेकअप लुक क्रिएट करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसे ही मैंने मेरे चिक पे भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर ब्रोंजर के लिए यूज़ कर रही हूँ, यह है वेटन वाइल्ड का, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, आप देख सकते हो कैसे लगा रही हूँ। आप लोगों से एक बात और बतानी है कि मुझे इस टाइम काफ़ी तगड़ा वाला फीवर हो रहा है, तो इसलिए मैं लगातार वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आपको मेरे फेस पे ग्लो भी नहीं दिख रहा होगा, दवा खाने की वजह से थोड़े से दाग धब्बे भी हो गए हैं, दाने निकल आए थे। मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ करूँ मेकअप रिलेशन का ब्रो पोमेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ब्रो पोमेड समर के लिए बेस्ट ऑप्शन है और मेकअप रिलेशन तो ऑसम है, तो अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। इसको मैंने फिल कर लिया है। इसके बाद वही ब्रो पोमेड मैं अपनी आईज़ पे और आईज़ के नीचे थोड़ा सा स्मज कर ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट मिले बस। अब मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, 30 डेज़ बूस्टर आईब्रोज बूस्टर है, क्या बोल रही हूँ मैं, लेस बूस्टर है, तो काफ़ी अच्छा है, तो आप ले सकते हो। इसको ही मैं अपनी लोअर एंड अपर आई लैसेस पे लगा ले रही हूँ अच्छे से। अगर आप लोग वेडिंग हैक्स वगैरह देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फेसेस कैनरा का लिप क्रेयॉन, मेरा शेड है 20, जो कि काफ़ी प्यारा है, और ड्रेस मेरी ब्लैक है तो इसलिए ये ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से जाएगा। मैं रेड नहीं लगाना चाह रही थी, नहीं तो आप लोग बोलते कि दी आप रेड 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 ही लगाते हो, वैसे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रेड है, बट मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाती। तो चलो अब हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं अपने बाल को आगे से ले ले रही हूँ, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कोई कंघी वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, अपनी हाथ की हेल्प से ही मैं ऐसे कर ले रही हूँ। तो क्या करना है आपको, ऐसे टर्न करके एक बन टाइप का छोटा सा बना लेना है। इसके बाद क्लचर से सिक्योर कर लेना है, समर के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है, अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब नीचे के बालों को भी ऐसे ही घुमा घुमा के इस जो मैंने छोटा सा बन बनाया है उसे मिला के आपको मिला देना है, आप देख सकते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्टाइल है। अब आपको एक लेना है बन मेकर स्टिक, जो नहीं आती तो लेके फंसा दीजिए। अब आपको इधर और इधर से बालों को लेके बन स्टिक जो है उसमें फंसा देना है, तो काफ़ी प्यारी हेयर स्टाइल बन जाती है। आगे से थोड़ा सा निकाल लिया मैंने। सो डन डना डन डन, ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।